दोस्तों, अभी हमें रास्ते में और सामने है 20 बजी मैया का स्टॉल हैं, दुकानें हैं जहाँ पर सामान वगैरह खरीद सकते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह और ले सकते हैं। ये मैया की चुनरी है जहाँ पर आप चढ़ा सकते हो, और इधर सामने है पार्किंग की व्यवस्था। गाइस, हम आ चुके हैं 20 मैया के दरबार में, और ये है यहाँ की पार्किंग। आप देख सकते हो चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां लगी हुई है, और अब मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों जो सामने का मंदिर जो दिख रहा है। तो दोस्तों बने रहिए, अभी हमने यहाँ पर जो दूध निकालने की व्यवस्था है वहाँ पर सूज रखी है, और यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था है। जो भक्त लोग व्रत रहते हैं उनके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की हुई है। तो ये दोस्तों सामने दिख रहा हूँ जी का दरबार, क्योंकि नवरात्र का महीना चल रहा है तो सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। काफ़ी शानदार और व्यवस्था है, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो। भैया क्या नाम है? राम। दोस्तों हमारे भाई साहब मिल गए, इनकी ड्यूटी यहीं पर है, हमारे भाई साहब अजगरी वाले। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैं आपको आगे दिखा दूँ। अब हम लोग दोस्तों जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। तो ये ऊपर जाने का माँ के दरबार में रास्ता। तो दोस्तों ये गुना विधानसभा में आता है माता 20 जी का दरबार। हमें चिंता नहीं, उनकी जन चिंता हमारी, हम पर है कृपा तुम्हारी। तो यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था है, और ऊपर माता रानी की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है, देख सकते हो दोस्तों। बताएगा कि जो माता 20 बजी है उनका क्या वो है। सभी महिमा माता रानी के भक्तों को इस नवरात्र, सभी माता रानी के भक्तों को नवरात्रि महापर्व के लक्ष्मी जय माता दी। आपको माँ की माँ की पूजा पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए, हमारे आदरणीय श्री रामश्री भाई साहब के साथ मुझे भी मौका मिला। यहाँ माता की महिमा जो है, सुबह के समय माँ का जो स्वरूप है, जो दर्शन है वो बालक के रूप में होता है, दोपहर के समय युवावस्था होती है, और शाम के समय वृद्ध अवस्था में माँ के दर्शन होते हैं। और माता के 20 बजाए लेकिन आज तक कोई भी नहीं गिन पाया है। बोलो साचे दरबार की जय। अपने और हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ पर बहुत पहले आए, जब उन्होंने हमारे यहाँ आए तो उसके पहले यहाँ पे गुरुदेव रहे हैं। चलो तो दोस्तों मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है वहाँ 20 बजा था, बस कुछ ही क्षणों में माँ के दर्शन होने वाले हैं। इधर दोस्तों आप देख सकते हो शिवालय है माँ के दरबार में छोटा सा। देख सकते हो पीछे भी काफी भीड़ लगी हुई है दूर दूर तक। फाइनली हमने माँ 20 बजी के दर्शन कर लिए, और ये आपको दिख रही होगी शिखर की पताका जो काफी हाइट पे है। देख सकते हो दोस्तों माँ के दरबार में श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। तो दोस्तों मैं उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। काफी प्राचीन पौराणिक मंदिर है हनुमान जी महाराज का,
और यहाँ पर भी काफी भीड़ है, आप देख सकते हो। सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है, आप देख सकते हो। दोस्तों मैं दर्शन करने जा रहा हूँ मंदिर में, जिनके दर्शन भी अनिवार्य हैं।